इन पक्षियों को देख रहे हैं आप? इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना? इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाएं। ईर्ष्या होती है ना जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है इस उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने? इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार गिरे होंगे? पहली बार वायु में उड़ते समय कितना भय लगा होगा इन्हें? अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी? इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें, उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहां तक पहुंचने में पाई है। प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं। वर्षों से ये आंखें तुम सबको देखने के लिए तरस रही है, अर्चन तृप्त हो जाने दो। तुम जानती हो 13 वर्ष की इस परीक्षा में मेरे पुत्र सफल क्यों हुए? क्योंकि तुम इनके साथ थी, तुम इनकी तारनहार हो। ईश्वर की कृपा है कि बुरा वक्त समाप्त हो। और किसी का बुरा समय प्रारंभ हुआ। महामहिम भीष्म की जय। आप यहां पधारे, हम धन्य हुए पितामह। प्रणिपात। आयुष्मान भव। प्रणिपात, स्वागत है महाबली भीष्म। महाराज विराट, मेरे पड़पोते के विवाह पर यदि आपने निमंत्रण ना भी दिया होता तो भीष्म अवश्य आता। आइए महाबली भीष्म। अंतिम भेंट में आशा थी कि अगली भेंट युद्ध भूमि में ही होगी। मेरी भी आशा टूट गई अर्जुन। वैसे पुत्र के विवाह की बधाई हो। स्वागत है। धन्यवाद।
प्रणीपा। देख रहे मामा श्री, किस बात ये पितामह इन पांडवों से घुल मिल रहे हैं। कोई जाए उन्हें बताए, समझाए उन्हें कि कुछ ही समय पश्चात यही पांडव युद्ध में हमारे विरुद्ध खड़े होंगे। शांत रहो दुर्योधन, मुख मुद्रा सुंदर नहीं बना सकते, तो कम से कम सुंदर शब्दों का प्रयोग तो करो। और ये मत भूलो कि हम यहाँ केवल अभिमन्यु के विवाह के लिए नहीं आए, हमें हमारी बच्ची लक्ष्मणा के विवाह के विषय में भी बात चलानी है। और एक कर्तव्यनिष्ठ पिता की भांति व्यवहार करना सीखो, और ये बचपना छोड़ो। पिताश्री, अब तो सभी अतिथि आ ही चुके हैं ना, अब आप भी तनिक मेरे साथ बैठिए, मुझे आपको कितना कुछ बताया। 13 वर्षों पश्चात आपसे मिलना, और इतना समय भी नहीं मिला कि आपको बता सकूं कि मैंने क्या क्या सीखा। अवश्य। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके हैं, अब ना किसी से मिलना शेष है और ना किसी को उत्तर देना। कोई बात नहीं अंगराज, मनुष्य का मन जब व्यथित होता है तो कई बार वो अपने आसपास की वस्तुओं को देख नहीं पाता। मैं व्यथित हूं, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? लगता है तुम भूल गए अंगराज, सारथी हूं, योद्धा का मन पढ़ लेता हूं। अभिमन्यु को देखकर तुम्हें वृषसेन का स्मरण हो आया ना? ना कहूंगा तो असत्य होगा। पिता पुत्र का संबंध बड़ा विचित्र होता है, दोनों जन्म से जुड़े होते हैं, साथ होते हैं, परंतु कई बार साथ आने में बड़ा समय लग जाता है। अपने संतान के उज्जवल और स्वतंत्र भविष्य के लिए एक पिता अपने पुत्र से दूर रहता है, परंतु उस दूरी को समाप्त करने में उसे ही वर्षों लग जाते हैं। परंतु मुझे तो भय है कि कहीं अधिक विलंब ना हो जाए। ये तो समय ही बताएगा अंगराज। वासुदेव, शाम कैसा है? वो आपके साथ नहीं आया? वो अच्छा है अंगराज, उसका यहां आने का मन नहीं था इसलिए साथ नहीं आया। परंतु मन की गति बड़ी चंचल होती है अंगराज, क्या पता कब बदल जाए। वासुदेव क्षमा कीजिएगा, परंतु मेरे पूछने का एक और तात्पर्य है, आपका आपके पुत्र से संबंध कैसा है? मैंने कहा ना अंगराज, पिता पुत्र का संबंध बड़ा विचित्र होता है। मेरी दशा तुमसे भिन्न नहीं है और मैं भी प्रारब्ध नहीं बदल सकता।
क्यों गए मित्र? अभी विराट नगर दूर है। परंतु मेरा साथ यहीं तक था मित्र साम। अर्थात तुम चाहते हो कि मैं वहां अकेले सबके समक्ष प्रस्तुत हो? नहीं मित्र, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा हूँ मित्र, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु ऐसा क्यों? जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते? क्या बात है मित्र? क्योंकि आने वाले पल तुम्हारे प्रेम लक्ष्मणा से तुम्हारे मिलन के सुखद पल है मित्र, मैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। परंतु ऐसा क्यों होगा? तुम भला कोई बाधा क्यों डालोगे? क्योंकि कौरव वहां है तो मेरे पिता भी अवश्य आए होंगे। मेरे पिता भी वहां है, मैं उन्हें अनदेखा करना है। कुछ बातें अनदेखी नहीं की जा सकती मित्र, मैं उनसे अंतिम भेंट करके आया हूं। यदि अब भेंट होगी तो विध्वंस होगा और मैं ये नहीं चाहता। ऐसा नहीं है वृषेन। ऐसा ही है मित्र, अब यहां से तुम्हें अकेले ही जाना होगा। परंतु विश्वास करो, यदि कुछ भी अशुभ होता है तो पीछे पलट कर देखना, मुझे समक्ष पाओगे। जाओ सांब, लक्ष्मणा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और हाँ, शांत रहना मित्र, स्वयं किसी संकट को आमंत्रण मत दे देना। प्रयास करना कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। मैं समस्या उत्पन्न करने नहीं मित्र, समस्या का अंत करने जा रहा हूँ और एक नए जीवन का प्रारंभ। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया, परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। आपने कभी सोचा है कि वर्षों के पश्चात जब आप अपने परिवार के पास लौटोगे तो सब आपकी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु मैं भिन्न हूं। आपकी भांति मैं अपने परिवार को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। तुम्हारे मन की व्याकुलता में समझ सकता हूँ लक्ष्मणा, परंतु किसी की प्रतीक्षा में द्वार पर इतनी देर भी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि सब की दृष्टि तुम पर पड़ जाए। अवश्य कोई महान नीति का ज्ञान अपनी नातिन को दे रहे होंगे गांधार नरेश। रनीपा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो पुत्री। प्रणिपात करने का एक लाभ ये होता है कि आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है ना गांधार नरेश? वैसे ये बताइए, आपको उत्सव का प्रबंध कैसा लगा? अति उत्तम वासुदेव, आप ही की कृपा है बस। मेरी कृपा? उत्सव विराट राज का है और आप प्रशंसा मेरी कर रहे हैं। और किसकी करूं वासुदेव? आप जहां जाते हैं वहां सब कुछ आप ही के मन से तो चलता है। भिक्षुक पांडवों को ऐसा राज संबंध दिलाना, हारे हुए योद्धाओं को फिर से स्फूर्ति दिलाना, ये आपके अतिरिक्त कौन संभव कर सकता है वासुदेव? भला आप ही बताइए, कौन सोच सकता है कि जो कौरव विराट नगर की ईंट से ईंट बजा देने का स्वप्न लिए बैठे थे वो विराट नगर का आतिथ्य स्वीकार करेंगे? ये
ये योजना बना पाना, उसे सफल करना आप ही के तो बस में है वासुदेव, इसीलिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। योजना के भवन तो आपने भी बनाए हैं गांधार राज, और उत्सवों का प्रबंध भी आपने बहुत किया है, उसमें सफलता भी मिली। योजना के भवन तो आपने भी बनाए हैं गांधार राज, वो बात और है कि उसके लिए आपको प्रशंसा नहीं मिली, परंतु एक बात के लिए मैं आपकी प्रशंसा अवश्य करूंगा कि हस्तिनापुर के इतने महान दिग्गजों को यहां लाना कोई सरल कार्य नहीं है। युवराज दुर्योधन, महामहिम भीष्म जैसे दृढ़ पुरुषों को यहां लाना बड़ा कठिन कार्य है, जिसे आपने बड़ी सरलता से पूर्ण कर दिया। हस्तिनापुर को आप विराट नगर ले ही आए गांधार नरेश, भले ही उसके पीछे आपका कोई व्यक्तिगत कारण अवश्य रहा हो। मेरा क्या कारण होगा वासुदेव, क्या कारण होगा मेरा ना? अरे हाँ, मैं यहाँ सबसे मिला, परंतु आपका पुत्र सांब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो आमंत्रित नहीं है यहाँ? जिसे आना हो उसे आमंत्रण की क्या आवश्यकता, और यदि आपको सांब की कमी अनुभव हो रही है तो तनिक उधर देखिए गांधार राज। जिसके लिए आप बड़ी व्याकुलता से पूछ रहे थे, या ये कहूं बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा तो करूंगा ना वासुदेव, जब सारी अगली पीढ़ी यहां प्रस्तुत हैं, तो आपके पुत्र सांब से भी मिलने का मन हो आया, और विराट नगर के लिए हस्तिनापुर से जो भेंट आई है उसका आनंद अधिक लोग उठा सके उतना अच्छा है, है? और आशा है कि मेरी भेंट सबको आनंदित ही करेगी वासुदेव। आज्ञा दीजिए वासुदेव, मैं उत्तरा से मिलके आती हूँ। जा। तुम वहां जहां मैं हूं, आश्चर्य हुआ तुम्हें देखकर? आश्चर्य नहीं, सौभाग्य है आपका पूजनीय पिताश्री। ये मत समझिएगा कि आपको लेकर मेरे विचार परिवर्तित हो गए, बात केवल इतनी है कि आज मेरा मन आनंद में था, बस उसे बांटने के लिए मैं अपने संबंधी के विवाह में चला आया। तुम उनमें से नहीं हो सांब, जो केवल अपने मन के आनंद के लिए कुछ कर जाए। यदि तुम यहां आए हो तो अवश्य कोई छिपे हुए मंतव्य के साथ आए हो। पुत्र हो मेरे, इसे मेरी मंत्रणा समझो या चेतावनी, परंतु कुछ भी ऐसा मत करना जो अनिष्टकारी हो। वैसे पूरा भारतवर्ष एक महायुद्ध के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है,
उस युद्ध को प्रारंभ करने का कलंक अपने सर पर मत ले ले। इस बांसुरी को देख रहे हैं आप, इसकी मधुर धुन सुनकर हर कोई मुग्ध हो जाता है, परंतु इसकी उस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता जो इसने बांस से बांसुरी बनने में पाई है। पीड़ा सहकर ही इसमें से सुर निकलते हैं जो मन को शांति देते हैं। इसी प्रकार पत्थर से प्रतिमा को देव रूप बनने में छेनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, तभी उसकी पूजा होती है। बात यह है कि निर्माण के लिए स्वयं के टूटने का विज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब टूट कर चूर हो जाओगे तभी नया अस्तित्व पाओगे, अर्थात शक्ति पाने से पूर्व पीड़ा का भोग करना आवश्यक है। यदि पीड़ा से भागोगे तो शक्ति नहीं पाओगे। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपको बांस बनकर रहना है या बांसुरी, पत्थर बनकर रहना है या प्रतिमा के रूप में सजना है। ये निर्णय आपका है। पूरा भारतवर्ष एक महायुद्ध के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। उस युद्ध को प्रारंभ करने का कलंक अपने सर पर मत ले ले। मुझे आपके भांति धर्म स्थापना की कोई चिंता नहीं। मैं यहाँ वो करने आया हूँ जिससे मेरे जीवन को संतुष्टि मिले। मैं संसार को नहीं, अपने जीवन को, अपने आनंद को महत्व देता हूँ। यदि संसार ही नहीं बचेगा तो जीवन में आनंद का क्या महत्व है पुत्र? वो आपकी सोच है, आपका कार्य। मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूँ। मैं ना ही भविष्य की चिंता करता हूँ और ना ही योजनाएं और माया जाल रचता हूँ। मैं अपने आज में जीता हूँ, इस पल का आनंद लेता हूँ। मैं बड़ी उड़ान की योजनाएं नहीं बनाता, बस अपने पंख खोलकर उड़ जाता हूँ, फिर चाहे वायु सुगम हो या चक्रवर्त। मैं इस पल को जीता हूँ, फिर चाहे अगले पल में मृत्यु हो। तुम नहीं समझो किसान, उड़ने से मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब वो धरा पर अनुचित तरह से टकराए। उड़ने में कोई बुराई नहीं, परंतु उड़ने से पूर्व धरा पर ठीक से उतरना आना चाहिए साम। चूंकि उड़ वही सकता है जिसके पांव ठीक से धरा पर टिके हो। भद्र, इस शुभ अवसर पर इन अस्त्रों का क्या काम? सज्ज रह रहा हूं। विवाह उत्सव है, युद्ध नहीं। मनुष्य का भाग्य और योद्धा का युद्ध कब ललकार दे किसे ज्ञान। इसीलिए तैयार रहना श्रेयस्कर है। मैं प्रस्तुत हूं। अरे ये अश्रु क्यों? मुझे लगा मुझसे मिलकर तुम्हारे मुख पर मुस्कान आएगी। मुस्कान आते आते रह गए और भय से अश्रु निकलने लगे। मेरे रहते कैसा भय? अनिष्ट का भय। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब होने जा रहा है। आशा है कि आज कदाचित मेरे पिताश्री और तुम्हारे पिता के मध्य हमारी संबंध की बात हो। परंतु शुभ कार्य में अनिष्ट तो होते ही है ना।
इसी भय से अश्रु निकल। कोई अनिष्ट नहीं आएगा लक्ष्मणा, और यदि आया तो उसे मेरे बाणों का सामना करना होगा। कदाचित उसकी आवश्यकता नहीं होगी, मामा श्री शकुनी हमारे ही पक्ष में है। मुझे गांधार राज की चिंता नहीं, समस्या तो तुम्हारे पिता और मेरे पिता के विचार भेद की है। इसीलिए तो मामा श्री शकुनी का हमारे पक्ष में होना श्रेष्ठ है, मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। देखना, वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे और पिताश्री भी मान जाएंगे। परंतु मुझे गांधार राज शकुनी पर विश्वास नहीं। ऐसा मत बोलो सांग। और तुम्हें भी उन पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे गांधार राज शकुनी पर विश्वास नहीं और ना ही अपने पिता पर, क्योंकि उन्हें मेरे हर निर्णय में, हर आकांक्षा में खोट दिखाई देता है। सांग, तुम्हारे पिताश्री परम श्रद्धेय है, उनका सम्मान करो। अंत उन्हीं की इच्छा पर हमारा संबंध निर्भर है। मेरा संबंध किससे होगा, ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है लक्ष्मणा। चलो देखते हैं क्या छिपा है मेरे पिता के मन में। अंतिम बार एकांत में हाथ पकड़ रहे हो, अगली बार सबके समक्ष पकड़ोगे। अंतिम अवसर है, सोच लो मुझसे विवाह करोगे। अवश्य, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा लक्ष्मणा। उपस्थित अतिथियों का निवेदन कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें, भोज का समय होने को है। क्षमा चाहता हूं आप सबसे, क्षमा। परंतु मुझे प्रतीत होता है कि भोज से पूर्व एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी जानी चाहिए। कैसी घोषणा गंधार नरेश? अब इसे घोषणा माने या प्रस्ताव, मैं शकुनी समस्त हस्तिनापुर की ओर से क्षमा का प्रस्ताव रखता हूं। विराट राज, हमने इससे पहले भी आपका आतिथ्य भोगा है। आपने हमारा सम्मान किया, हमारा सत्कार किया, परंतु मेरे प्रिय दुर्योधन ने पांडवों की खोज में सीमाओं का उल्लंघन किया। मैं जानता हूं आपका अपमान हुआ, उसके पश्चात हमने अकारण मत्स्य पर आक्रमण किया, कोई आवश्यकता नहीं थी। हम अपने लक्ष्य को लेकर इतने उतावले हो गए थे कि नीति संबंध सब कुछ भुला बैठे, सब कुछ। इसीलिए मैं शकुनी युवराज दुर्योधन की ओर से और समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका क्षमा प्रार्थी हूं, और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने फिर भी हमें अपनी पुत्री के विवाह में आमंत्रित किया और हमें सम्मानित किया। आभार। शकुनी का व्यवहार इतना विनम्र कब से हो गया? क्या है कि
आप और हम दोनों क्षत्रिय हैं, और आप तो जानते हैं कि क्षत्रिय क्रोध में सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। परंतु सच्चा क्षत्रिय वो है जो अपनी भूल स्वीकार करके भी मित्रता का हाथ बढ़ाने में भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए मैं शकुनी हस्तिनापुर की ओर से मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं। और इस मित्रता को बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रथम पूज्य वासुदेव, क्या इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए आपकी अनुमति है? मित्रता बैर से सदैव श्रेष्ठ होती है गांधार राज। लो, अब तो स्वयं वासुदेव कृष्ण की अनुमति है। तो मैं हस्तिनापुर की राजकुमारी युवराज दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता हूं। और आशा है कि आप इसे स्वीकारेंगे और हमें संदेश देंगे कि आपने हमारी भूल को क्षमा किया। अब विराट राज के साथ साथ आपसे भी आशा है कि आप भी इस संबंध की अनुमति देंगे। महान वासुदेव। उत्तर का विवाह लक्ष्मणा के साथ? क्यों विराट राज, आपको हमारी मंशा पर संदेह है या हमारी पुत्री के गुणवती होने पर संदेह है आपको, या हस्तिनापुर पर संदेह कर रहे हैं आप? ऐसी बात नहीं है गंधार नरेश। तो परंतु पिछले दिनों विराटनगर और हस्तिनापुर के मध्य जो भी हुआ उसे देखते हुए भी आप उससे पिछले दिनों को स्मरण कीजिए। विराट राज, जब विराटनगर और हस्तिनापुर में मित्रता हुआ करती थी, इस कीचक के वध के पश्चात जो कटुता बढ़ी है वो हमारी भूल थी। विराटराज, उस भूल को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उस मित्रता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं विराटराज? कहीं किसी और छल का प्रयास तो नहीं गंधार राज? क्या यह संबंध हमसे भविष्य में होने वाले युद्ध में विराट राज का सहयोग प्राप्त करने की योजना तो नहीं है? क्या छल? भीम, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, छल परायों के साथ किया जाता है, अपनों के साथ नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर हूं जिसने अपने भाइयों को सगों को चौसर के दांव पर लगा दिया? ना 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 मैं लक्ष्मणा को मेरे दुर्योधन की पुत्री को दांव पर नहीं लगाऊंगा ना। ये तो केवल मेरे सम्राट दुर्योधन का प्रस्ताव है और उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं बस। है ना दुर्योधन? मामाश्री ठीक कह रहे हैं। और भीम, ये प्रस्ताव मेरी ही ओर से है। मैं छल नहीं करता, मुझे बल पर विश्वास है। बल पर?
और हां भीम, राज परिवारों में विवाह संबंध होना कोई विचित्र बात नहीं है ना? और रही बात युद्ध में सहयोग की, तो राज परिवारों में विवाह संबंध होने का सबसे बड़ा कारण होता है शांति की स्थापना या तो युद्ध में सहयोग की आशा। हां, जब तक कोई प्रेम प्रसंग ना चल रहा हो। आपका क्या मत है प्रथम पूज्य वासुदेव? आपने भी अपने भांजे अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ इसी आशा में किया था कि पांडवों को युद्ध में विराट नगर का सहयोग मिल सके। बताइए, मैं कुछ असत्य कह रहा हूं वासुदेव? और इतने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व की गई भविष्य गणना आपसे अधिक कौन समझ सकता है वासुदेव? और मनुष्य भी मवेशी इसीलिए घर में लाता है कि उसके दूध से आहार मिल सके, इसलिए नहीं कि उसका पालन पोषण कर सके, है ना वासुदेव? युद्ध भारतवर्ष के द्वार पर खड़ा है और ऐसे में हम युद्ध के सहयोग के लिए कोई विवाह संबंध बनाते हैं तो इसमें आपत्ति है वासुदेव? बताइए। नहीं वासुदेव, इस संबंध के लिए हां मत कहिएगा। मैं गांधार नरेश के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। यदि पांडवों को अभिमन्यु का विवाह विराट राज की पुत्री के साथ करने का अधिकार है तो दुर्योधन को भी विवाह का प्रस्ताव विराट नगर भेजने का पूर्ण अधिकार है। परंतु अब निर्णय विराट राज का है। वासुदेव, क्या आप इस संबंध को मान्य करते हैं? विराट नगर और हस्तिनापुर के संबंधों के इतिहास को देखते हुए भी क्या ये उचित होगा? मेरी दृष्टि में शांति से उचित कुछ भी नहीं विराट राज। यदि गांधार नरेश बीते कड़वे संस्मरणों को भुलाकर उज्जवल भविष्य की कामना रखते हुए प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो अवश्य गांधार नरेश को पूर्ण अधिकार है। और मुझे आप में विश्वास है, अगर आपने कुछ सोचा होगा तो उसमें सभी का हित होगा। कुमार दुर्योधन, मुझे यह संबंध स्वीकार है। बधाई हो विराट राज। कितना शुभ दिवस है ये। जब हम यहाँ आए थे तो अतिथि बनकर आए थे और अब जब जाएंगे तो संबंधी बनकर जाएंगे। मेरा और एक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? नहीं, अर्थात पांडवों के और हमारे संबंधी एक ही है और सारे यहाँ उपस्थित भी हैं, तो क्यों ना अभिमन्यु और उत्तरा के साथ साथ लक्ष्मण और उत्तर का भी विवाह एक ही मंडप में कर दिया जाए। अति उत्तम विचार, स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है।
और मेरा भी निवेदन है कि सारे संबंधी गले मिलकर अपने कड़वे संस्मरणों को भूल जाए और फिर भोज आरंभ हो। पिता होना बड़े आनंद का विषय, और जितना बड़ा आनंद है उससे भी अधिक बड़ा उसका उत्तरदायित्व भी। आप में से भी कुछ पिता होंगे, कुछ संतान, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी अपना उत्तरदायित्व अवश्य पूर्ण करते होंगे। हर पिता अपनी संतान के सुख के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रात दिन परिश्रम करता है, धन इकट्ठा करता है, सुविधाएं एकत्रित करता है। आप भी करते होंगे। हर पिता को यही लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु फिर भी संतान प्रसन्न नहीं रहती। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप भी स्वयं अपनी ही संतान से पूछ लीजिए, उनको अवश्य कहीं ना कहीं कोई कमी अनुभव होती होगी। और इसका केवल एक ही कारण, और वो है पिता की भूल। उसे लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु वास्तव में वो उसे सबसे अमूल्य विरासत दे ही नहीं पाता, और वो अमूल्य वस्तु है समय। अपनी संतान को समय दीजिए, उसे समझिए, उसे समझाइए, उसके साथ खेलिए, और जीवन के मैदान में उसे खेलना सिखाइए। उसे संस्कार दीजिए, उसे उसके मार्ग पर चलने दीजिए, मार्ग भटके तो उसे उचित मोड़ भी दिखाइए। विश्वास कीजिए, इससे अधिक कोई अमूल्य वस्तु आप अपने संतान को नहीं दे सकते। निश्चित रूप से ये गुण तुम्हें अपने पिता से मिला है लक्ष्मणा। अरे बिना बात की गहराई समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे देती हो। पहले शांतिपूर्वक मेरी बात सुन तो लो पुत्री। अब सुनने को शेष क्या है मामा श्री? आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और आप पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। इससे शेष तो ये होता कि मैं स्वयं जाके पिताजी से बात करती। आपने मेरे जीवन में दुख के बीज बो दिए मामा श्री। नहीं बच्ची, देखो पौधे के उगने से पूर्व ये भविष्यवाणी करना उचित नहीं है कि बीज बुरे थे। यदि तुम्हारे पिता की ही ये इच्छा थी तो मैं उसके इच्छा के विरुद्ध कैसे जाता? क्या पिताश्री ने आपको ऐसा करने को कहा? हाँ, यही तो मैं कब से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। तुम्हारे और सांब के विवाह का प्रस्ताव मैं दुर्योधन के पास लेके गया था, परंतु वो सुनते ही क्रोधित हो गया, और उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो तुम्हारा विवाह
कृष्ण पुत्र साम के अतिरिक्त और किसी से भी करवा सकता है। सेवक, ठीक है, तुम्हारी लक्ष्मणा कहाँ है? जी उस और अंतिम कक्ष में। ठीक है। परंतु आपने ने बताया नहीं कि मैं सांप से प्रेम करती हूँ। मैंने बताया उसको, मैंने तुम्हारी सहायता का वचन जो लिया है, और दुर्योधन से अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ लक्ष्मणा, और तुम्हारे कल्याण का उत्तरदायित्व कैसे भूल सकता हूँ मैं? ना? तो फिर उन्होंने क्या कहा? कहा पहली बार उसने मुझसे कटु शब्दों में बात की और स्पष्ट रूप से मेरा यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया बच्ची उसने, और अपने मामा के नाश की चेतावनी दे डाली उसने, और बच्ची उसने मुझे आदेश दिया कि मैं कुमार उत्तर से तुम्हारे विवाह के विषय में विराट राज से चर्चा करूं। और तुम तो जानती हो बच्ची कि तुम्हारे पिता को जब क्रोध आता है तो वो अपने पिता की भी नहीं सुनता, और मैं तो ठहरा मामा। विश्वास नहीं हो रहा, अपनी शत्रुता के चलते पिताश्री मुझसे मेरा प्रेम छीन सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी उन्हीं की पुत्री हूं। मैंने निर्णय ले लिया है, अपने वर का चयन करना हर स्त्री का अधिकार होता है, और मेरा यह अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और मैं इस अधिकार का प्रयोग करूंगी। मैं साम से प्रेम करती हूं और केवल उसी से विवाह करूंगी, उसके अतिरिक्त किसी और से नहीं, और मेरा यह निर्णय कोई नहीं टिका सकता। अपने प्रेम की राह में मैं किसी को नहीं आने दूंगी, फिर चाहे वो मेरे पिताश्री ही क्यों ना हो। नहीं, मैं लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। साम, हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता, आपका क्या मत है प्रथम पूज्य वासुदेव? मैं गांधार नरेश के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। साम, जो कुछ होता है सबके हित के लिए होता है पुत्र। अच्छा, फिर आपका मेरा पिता होना क्यों मेरे हित में नहीं हुआ? आपने वहां लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से होना निश्चित किया, क्या अब आप मुझे अपना पुत्र कहने का अधिकार रखते हैं? पिता तो मैं हूं साम, परंतु लक्ष्मणा और उत्तर के विवाह से तुम्हें क्या समस्या है? ये प्रकरण हस्तिनापुर और विराट के मध्य,
फिर तुम क्यों इतने आक्रोश में? मैं आक्रोश में हूं क्योंकि लक्ष्मणा, सारा संसार कहता है कि आप सबके मन की बात जानते हैं, तो फिर आप ये नहीं जानते कि मैं आक्रोश में क्यों हूं? इसका अर्थ ये है कि या तो सारा संसार झूठा है या फिर आप इस समय दिखावा कर रहे हैं। आपकी दोहरी नीति मैं कभी समझ ही नहीं पाया, या फिर ये कहूं मैं कभी समझना चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि आप केवल चाहते हैं कि सब आपके समक्ष झुके, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। आपको मेरे साथ ये छल नहीं करना चाहिए था और मैं आपका ये प्रहार जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुम जो मेरे साथ करने वाले हो पुत्र, वो सारा संसार नहीं भुला पाए, परंतु तब भी हर पिता की भांति मैं तुम्हें क्षमा करता रहूंगा और तुम्हें अपनी ही भूल से शिक्षा लेते देखता रहूंगा। पिताश्री, वो मुझे आपसे कहना है कि मैं दुर्योधन, ईश्वर के लिए इस बच्चे पर रुष्ट ना हो। अरे ये तो अबोध। शांत रहिए आप, ये कोई राजनीति का चौसर नहीं है और ना ही रणभूमि का खेल। ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार की प्रकरण है और इसके मध्य में आपको बोलने की अनुमति नहीं देता हूं। आज केवल मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। सब कहते हैं, पूरा संसार कहता है कि दुर्योधन सत्पुरुष नहीं बन सकता। ठीक है, ठीक ही तो है, क्योंकि जब मैं अपने बीते भूलों को देखता हूं तो मुझे प्रतीत होता है, मुझे प्रतीत होता है कि उनकी सोच अनुचित नहीं है। ठीक है, परंतु जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे मेरा भविष्य दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मेरे भविष्य को सुधार सकता हूं, उसे सुंदर बना सकता हूं। मुझे अनुभव होता है कि अपने बीती भूलों को, उन पापों को धोने का यदि कोई मार्ग है तो वो केवल तुम्हारे जीवन में आनंद का मार्ग देने से है। पुत्री, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। तुम्हारी माता टोकती थी, परंतु जो वस्तु तुमने मांगी मैंने तुम्हें लाके दी। बस इस दुर्योधन के, इस दुर्जय योद्धा के मन में कोई कोमल भाव है ना?
वो केवल तुम्हारे लिए है पुत्री। फिर पता नहीं क्या कमी रह गई। बताओ ना पुत्री, मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई? तुम्हारे तुम्हारे लालन पालन में क्या भाव रह गया पुत्री? ऐसा मत बोलिए पिताश्री, आप संसार के सबसे अच्छे पिता है। सच तुमने ऐसा ऐसा क्यों किया पुत्री? यदि ये सच है तो ऐसा क्यों किया? मेरे और वासुदेव कृष्ण के संबंधों को जान के भी तुमने तुमने ये निर्णय लिया? तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कितनी बड़ी दुविधा को आमंत्रित करने जा रही हो तुम? मैं शाम के साथ में तुम्हारा कर्षण समझ सकता हूं पुत्री, परंतु तुम देख नहीं पा रही हो कि मेरे और वासुदेव कृष्ण के कटु संबंधों का प्रभाव तुम्हारे भावी संबंधों पर किस तरह से पड़ सकता है। और कोई भी पिता अपनी पुत्री को अपने कारण कष्ट में नहीं देख सकता है पुत्री। मैं भी नहीं। आज ये पिता अपनी पुत्री से विनती करता है। मैं विनती करता हूं पुत्री तुमसे, शाम को अपने दिल अपने मन से निकाल दो पुत्री। शाम को अपने दिल अपने मन से निकाल दो पुत्री। केवल तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं पुत्री, और विश्वास करो पुत्री, तुम संभ के साथ प्रसन्न नहीं रह पाओगी। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा भविष्य नहीं, हस्तिनापुर का भी मान और सम्मान जुड़ा है। अब निर्णय तुम्हें लेना है, क्या चाहिए तुम्हें, अपने पिता का सम्मान या फिर अपना स्वप्न? विवाह का निर्णय लक्ष्मणा पर छोड़कर दुर्योधन ने मेरे सारे किए पर पानी फेर दिया। अब उस कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। कुमार साम, साम, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है और इस समय किस संताप का अनुभव कर रहे हो तुम, मैं समझता हूं।
और मैं भी तो चाहता हूं कि लक्ष्मणा को उसका प्रेम मिले और तुम्हारा विवाह उसी के साथ हो। परंतु जिनके चाहने से यह संभव है वो लक्ष्मणा के पिता दुर्योधन ये नहीं होने देना चाहते साम। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। या तुम्हें कर लेनी चाहिए साम ना। सभा में मैंने वही किया जो दुर्योधन चाहता था। बस मुझे एक ही आशा थी कि वासुदेव कृष्ण तुम बालकों का मन पढ़ के इसका विरोध करें, परंतु उन्होंने भी वैसा कुछ नहीं किया। साम, साम, मैं तो चाहता था। आपके चाहने से अब कुछ नहीं होगा। मैंने लक्ष्मणा से कहा था कि हर एक पर विश्वास ना करें, चाहे लोग उन्हें ईश्वर ही क्यों ना मानते हो। परंतु मेरी बात पर तुम्हें विश्वास करना ही होगा साम। यदि यदि दुर्योधन के समक्ष खड़ा होना है, यदि लक्ष्मणा का साथ चाहिए, तो तुम्हें दुर्योधन जैसा ही कुछ करना होगा।